दोस्तों, कोरोना की इस महामारी की वजह से हम आप सभी और यह पूरा विश्व लगभग अपने अपने घरों में कैद है। अभी हमें वह मौका मिल रहा है जो हमें कभी नहीं मिला था। वह मौका है अपने साथ कुछ पल बिताने का, अपने इंटरेस्ट को एक नया रंग देने का, अपने ब्रेन को नए नॉलेज से भर देने का। आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसका उपयोग आप इस अकेलेपन में कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को नए हुनर सीखकर निखार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल की वाणी पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, मैं आप सभी से सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं एक इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का हूं, इसलिए मुझे इस लॉकडाउन से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं आम दिनों में भी बहुत ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं हूं। खुद को खुद तक ही सीमित रखता हूं। मेरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, नहीं मुझे बहुत ज्यादा गप्पे मारना, बातचीत करना पसंद है। सच कहूं तो यह मेरा डिमेरिट भी है कि मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूं, और इसी अकेले रहने की आदत की वजह से भी मैं कभी कभी आम लोगों के बीच सही ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन दोस्तों, इससे मुझे कुछ फायदा भी हुआ है। मैंने बहुत सारे ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जिसकी वजह से मैं अपने इस अकेलेपन को भर पाता हूं, और सच कहूं तो कभी भी बोर फील नहीं करता। चाहे मैं कितने दिन भी अकेला रह लूं, मुझे अकेलापन बिल्कुल खराब नहीं लगता, बल्कि असल में मुझे यह आनंद देता है। तो चलिए बताता हूँ आपको कि आप अपने खाली वक्त में क्या कर सकते हैं और अपने बोर होते मन को पूरा एंटरटेन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह सोचिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करने में मन लगता है, और फिर उसके हिसाब से अपना शेड्यूल तैयार करिए। जैसे मुझे आध्यात्मिक और महापुरुषों से जुड़ी चीजें जानने का बहुत शौक है। मैं इससे रिलेटेड चीजें ढूंढता रहता हूँ और पढ़ता रहता हूँ। जब से YouTube पर आया हूँ तो यह पढ़ने की आदत और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मुझे आप सबको बताना होता है, तो इसलिए मुझे पढ़ना भी पड़ता है। दोस्तों, तो मेरा जो सबसे पहला और बेहतर तरीका है अपने बोरियत को खत्म करने का और टाइम को किल करने का, वह है कुछ पढ़ते रहना। अब मान लो कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, बुक्स को सामने रख कर पढ़ने का इतना मन नहीं करता, तो इसका भी सॉल्यूशन है। आप जरा टेक्नोलॉजी का उपयोग करो। जिस फोन पर आप व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक चलाने में समय गवाते हो, उसी फोन से आप ऑडियो बुक्स सुनना शुरू करो। जैसे आप गाने सुनते हो, वैसे ही आप कुछ घंटों, कुछ दिनों में ही एक किताब सुनकर खत्म कर सकते हो। इसमें आप पढ़ने से भी बच जाओगे और आपको नॉलेज भी भरपूर मिल जाएगा। इन दिनों मैं भी गांधी जी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग सुन रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि यह ऑडियो बुक्स कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे कुकू FM, पॉकेट FM या YouTube ही ले लो। यहाँ पर बहुत सारे ऑडियो बुक्स रखे हुए हैं, आप इन्हें ऑनलाइन सुन सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ आपको सिर्फ सिलेबस की बुक्स पढ़ने को नहीं कह रहा। मेरा तात्पर्य है कि आप खाली समय में ऐसे बुक्स पढ़ो जो आपको थ्योरेटिकल नहीं बल्कि एक्सपीरियंशियल नॉलेज दे, आपके भीतर कोई यूनिकनेस लाए। ऐसी किताबों में जो सबसे बेहतर है वह है ग्रेट लीडर्स यानी महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल इंसान की जीवनी उठाकर देख लो, उनके जीवन में एक बात सबसे खास रही है, वो है कि वो लोग किताबें बहुत पढ़ते थे और हर क्षेत्र से जुड़ी किताबें पढ़ते थे। अब दोस्तों, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है राइटिंग, लिखना। दोस्तों, आप यह अपने मन में सेट कर लो कि आपको हर रोज कुछ ना कुछ लिखना है, चाहे वह 500 वर्ड हो, 200 वर्ड हो या जितना भी हो, आप लिखो। इससे आपकी लिखने की कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। आप अपनी बातों को सही ढंग से सही शब्दों का उपयोग करके लिखना सीखोगे। दोस्तों, इसके लिए भी मैं आपको कॉपी पेन का यूज करने को नहीं कह रहा। प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे योरकोड, लेटर्स इत्यादि। ऐसे ऐप्स आपको लिखने के लिए टॉपिक भी देते हैं ताकि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सके। अगर आपको पोएट्री, कहानियां लिखने में इंटरेस्ट है तो यह और भी अच्छा है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको लिखने का शौक बन जाए तो आप ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हो और वहां पर अपने विचारों को लिखकर लोगों तक उसे पहुंचा सकते हो। अब दोस्तों, तीसरी चीज वह आपके इंटरेस्ट की कोई भी चीज हो सकती है। जैसे मुझे हारमोनियम बजाने का शौक है, तो मैं हारमोनियम बजाने की चीजें सीखता रहता हूँ और नए नए सॉन्ग्स क्रिएट करता रहता हूँ। आपको डांस का शौक है तो आप उस क्षेत्र में नई चीजें सीखो। आपको म्यूजिक का शौक है, आपको गेम्स का शौक है, तो उसको और अच्छा इम्प्रूव करो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हो। अब इंटरेस्ट की बात हो गई,
अब कुछ चीजें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आपको सीखना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ। वैसे भी आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इसके लिए आपको प्राणायाम, योगाभ्यास और ध्यान जरूर सीखना चाहिए। सुबह उठकर आपको 3 प्राणायाम कम से कम जरूर, इनके नाम हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम। यह तीनों ही प्राणायाम बहुत आसान है, आप तुरंत सीख सकते हो। इससे आपके फेफड़े सहित पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ेगा और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इन प्राणायामों को आप YouTube पर या कहीं भी पढ़कर सीख सकते हो। अगर मैं यहाँ आपको बताऊंगा तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके साथ ही आप कुछ योगाभ्यास भी कर सकते हो दोस्तों, वह आप अपने मन के मुताबिक, आपको जो सही लगे, आपके शरीर को जो सही लगे वह आप चूज कर लो। अब अगली चीज है मेडिटेशन। इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप इसे कभी भी कर सकते हो। यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो, उसमें ध्यान पर मैंने बहुत विस्तृत रूप में जानकारी दी है। इसी के साथ उम्मीद है दोस्तों कि आपको अपने खाली समय को भरने का तरीका मिल गया होगा और आप इसे यूज भी करोगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, कमेंट करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, स्टे मोटिवेटेड।